लोहारगढ़ से शुरू हुई 24 कोसीय परिक्रमा दूसरे दिन ठाकुर जी की पालकी पहुंची शाकंभरी। संत महात्माओं का कोट बांध पर हुआ सम्मान। घनश्याम दास महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी की पालकी की अगुवाई। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती लोहारगढ़ से शुरू हुई 24 कोसीय परिक्रमा दूसरे दिन बुधवार को किरोड़ी धाम से रवाना होकर शाकंभरी माता पहुंची। इससे पहले कोट बांध प्रसाद भी योग श्री द्वारा ठाकुर जी की पालकी पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं संत महात्माओं का सम्मान किया गया। ठाकुर जी की पालकी की अगुवाई कर रहे घनश्याम दास महाराज ने बताया कि प्रशासन की ओर से रास्तों को सही नहीं किया गया, जिससे ठाकुर जी की पालकी के पीछे चल रहे लाखों श्रद्धालुओं को पहाड़ी के बीच कटीली झाड़ियों के बीच परेशान होकर टूटी सड़कों के बीच चलना पड़ रहा है। कोट बांध पर ठाकुर जी की पालकी में शामिल होने वाले संत महात्माओं के लिए स्नान करने के लिए स्नान घाट बनाने की मांग की है। ठाकुर जी की पालकी में शामिल होने वाले संत महात्मा पिछले लंबे समय से कोट बांध पर स्नान घाट मनाने की मांग करते आ रहे हैं। हाँ, अये गोरी मारी बांध ले गुल गला साथ लोहा कर नहा बाता लाए। गोरी मारी बांध ले गुल गला साथ लोहा कर अपना बाता लाए। लेकिन इस बार कोट बांध पर ठाकुर जी की पालकी में शामिल होने वाले संत महात्माओं को स्नान घाट नजर नहीं आने से नाराज होते हुए प्रशासन पर आरोप लगाते हुए वर्दी पहनकर प्रशासन रंगबाजी ना करे, परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था करे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।